सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर। राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्रीय और राज्य के शिक्षा मंत्री की अहम बैठक थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। बैठक में राज्यों से कहा गया कि दो दिनों में अपनी राय लिखित में केंद्र सरकार को भेजें। राज्यों का पक्ष जानने के बाद केंद्रीय कैबिनेट परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा, जिसके बाद 30 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक फैसले की जानकारी देंगे। खबर है कि दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों ने परीक्षा कराए जाने पर सहमति दे दी है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए परीक्षा कराए जाने को कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की मांग है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद ही परीक्षा हो। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, इस बैठक से बहुत उम्मीदें थी, लग रहा था कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? जी, मैं आपको पहले बता चुका था कि बैठक में फैसला तो नहीं लिया जाएगा, राय ली जाएगी। चर्चा हुई है, सबकी राय ली गई है, सबसे बात की गई है। लगभग सभी राज्यों के मंत्रियों ने एक बात कही है कि परीक्षा होनी चाहिए। लिमिटेड सब्जेक्ट्स की, जो इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट जिनका इवैल्यूएशन होता है, जिनका जिनकी ज़रूरत पड़ती है कि आने वाले दिनों में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए या हायर एजुकेशन में उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उन सब्जेक्टों की परीक्षाएं जरूर हों। सभी राज्यों ने कहा कि, दिल्ली ने भी मना नहीं किया कि परीक्षा ना हो। दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा कि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन जरूरी है, बच्चों का वैक्सीनेशन कराइए और उसके बाद परीक्षा, क्योंकि जान भी और जहान भी दोनों चीजें। तो परीक्षा को लेकर लगभग देश के सभी मंत्री एकमत नजर आए। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने सभी से आग्रह किया कि आप सब लोग अगले दो दिनों के अंदर अपनी जो राय है, अपना जो मत है, उसको लिखित में केंद्र सरकार को भेज दिए, ताकि इस पर कोई फैसला लिया जा सके। जब वहां से सभी राज्यों से उनकी राय लिखित में आ जाएगी सेंटर के पास, तो सेंटर उस पर एक कॉमन राय बनाएगी और उसके बाद इसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस हाई लेवल मीटिंग में यही तय किया गया है कि सभी अपनी राय लिख करके भेजें और अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और कोरोना के इस काल में दिल्ली सरकार परीक्षा कराए जाने के हक में नहीं है, जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज ने भी बताया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो, तब परीक्षा कराई जाए। सिसोदिया की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ सही नहीं। सिसोदिया ने कहा है कि वो इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे। सिसोदिया ने कहा कि 1.5 करोड़ बच्चों और 1.5 करोड़ शिक्षकों को वैक्सीन लगे। सिसोदिया ने यह भी कहा कि हम दो दिन में दिल्ली के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। दिल्ली सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों जो हम देखेंगे कि जो हमारा बैठने वाले बच्चों की संख्या है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, वो लगभग 56 लाख से भी ज़्यादा है और 14 लाख पूरे सीबीएसई में, पूरे भारत में उस पर मिला के है। तो उत्तर प्रदेश
का बोर्ड अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। अभी हमारी परीक्षा होना बाकी है, हाई स्कूल की हम परीक्षा कराएं या ना कराएं, इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के हमारे अधिकारियों का चिंतन मनन होना है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में मैं भी अस्पताल में था, मेरी अपर मुख्य सचिव भी अस्पताल में थी, और परीक्षा जुड़े हुए 17 जो कर्मचारी थे वो भी सब कोरोना के संक्रमित होकर कहीं ना कहीं भर्ती थे जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसी हफ्ते हम लोग बैठने वाले हैं, हाई स्कूल की परीक्षा हम कराना है कि प्रमोशन देना है या क्या निर्णय लेना है, ये हम लोग बैठ के तय करेंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई जाए, जैसा कि लगभग पूरे भारतवर्ष में एक परिदृश्य दिखता है, और चूंकि कॉम्पिटिशन्स में भी बैठना होता है पूरी जिंदगी, उस बच्चे को जो इंटर पास करता है उसके अंक जुड़े जाते हैं, चाहे जी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिशन हो या उच्च शिक्षा में जाना हो, तो बच्चे को जो परीक्षा में प्रवेश देना होता है वो इंटरमीडिएट के उसके अनुसार होता है। इसलिए एक प्रश्न बार बार मन में कौनता है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मंतव्य सामने आता है। अब इस बारे में उत्तर प्रदेश को निर्णय लेना है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का वो है वो हम लोग कब कराएं, ये है। लेकिन आज हम लोगों ने एक अभिभावक संघ के साथ में भी हम लोग आज बैठे हैं, हम लोग जो प्रबंधक एसोसिएशन है उसके साथ अभी हमने बैठक करी, भी आपकी बैठक से पहले, आपकी समाचार के पहले हम लोग बैठक कर रहे थे। उसमें उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग एक अनोखी पहल की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं वो आगे बढ़ के आए हैं, जो कोरोना से संक्रमित बच्चे हैं या उनके परिवार में माता पिता का, जो कोरोना संक्रमित परिवार में माता पिता का जो बच्चों का मृत्यु हो गया दोनों का, या एक जो कमाऊ थे, चाहे पिता कमाऊ थे या माँ कमाऊ थे, और बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो गया, तो ऐसे को जो निजी क्षेत्र के कई एसोसिएशन हैं उन लोगों ने से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने ऑफर किया है कि हम उन बच्चों को जो मान लो 12वीं तक हम पढ़ा रहे हैं माध्यमिक स्कूल में, तो हम 12वीं तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का शुल्क हम फ्री करके करेंगे, और बच्चों की हम ड्रेस भी देंगे, उनको पुस्तकें भी देंगे। हम ऐसे जो कोरोना के कारण जो निराश्रित हो गया परिवार है, जिनके माता पिता नहीं रहे या एक कमाऊ नहीं रहा, उनको हम मुफ्त में पढ़ाएंगे, ऐसा प्रस्ताव अभी हमारे सामने आया है। उसका हम विस्तारीकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तो इसी तरीके का प्रस्ताव हमारे निजी विश्वविद्यालयों की तरफ से भी मुझे प्राप्त हुआ है जी। देखिए, कोरोना काल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। ऐसे में मनीष सिसोदिया जो बात उठा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, दिल्ली सरकार बोर्ड परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात जायज भी दिखती है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। सर देखिए, ये मैं इसके संदर्भ में निवेदन यही करूंगा कि इस प्रकार का निर्णय तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से है। हमने जब भी परीक्षा का, हमारे 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने को थी, तभी से हम लोग मुहिम चला रखे हैं उत्तर प्रदेश में कि जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वैक्सीनेशन हो, और जो बच्चे हैं जो बोर्ड के बैठेंगे, तो उसमें 18 साल का नहीं था इसलिए वो मुहिम नहीं था। अब हम लोगों ने उसको पहले से चला रखा है कि जो विद्यालय लोग के लोग हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, कि हमारे वहाँ से प्रक्रिया पहले से चल रही है कि वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, और 18 साल से ऊपर के बच्चों का जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए हैं इंटरमीडिएट की या और दूसरी परीक्षा में, और जो शिक्षक या कर्मचारी ड्यूटी लगने हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे जो है उनका वैक्सीनेशन हो जाए परीक्षा के पहले। ये हम लोग पहले से शुरू कर रखा है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जी। लेकिन जो बात उन्होंने उठाई कि बच्चों का वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए और परीक्षा को बाद में करवाया जा सकता है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मैंने कहा ना कि पहले हम लोग करा ही रहे हैं वैक्सीनेशन, स्टैंड तो तब होगा, जो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नहीं करा रहा है इसलिए उन्होंने स्टैंड की बात करी होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो पहले से करा रहा है, हमने वो मुहिम को पहले से कराने के लिए सारे जो निजी क्षेत्र के विद्यालय उनसे आग्रह, उनको वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमने पहले कर रखा है, अपने विद्यालयों के जो हमारे अधिकारी हैं उनको पहले से कह रखा है। 24 अप्रैल को होना था तो हम लोगों ने पहले से इसकी शुरुआत करने के लिए आदेश निर्गत किए थे कि इस प्रकार का जो वैक्सीनेशन है वो हमको पहले से प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन उस समय 18 साल का नहीं खुला था,
एक मई से खुलना था, तो हमने उनका जब एक मई से खुले तो उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया। ये आपने बात बहुत ठीक कही सर कि 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सिसोदिया जी ने ये भी बात साफ कही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, 17 या 17.5 साल की उम्र है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है ऐसे स्टूडेंट्स, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है। मेरा आपसे आग्रह यही, जो नीतिगत निर्णय है वो समय समय पर केंद्र सरकार स्वयं से लेती है, और उसके बारे में नीति पूरे देश के संदर्भ में बनेगी। मैं अपनी राय प्रदेश के नाते नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो हमारे पास अभी तक का जो अधिकार मौजूद है उनका प्रयोग करके, मुख्यमंत्री जी की नीयत यही है कि सबका वैक्सीनेशन हो और बच्चों को हम पूर्ण सुरक्षा के साथ में उनकी परीक्षा। जी, राज्य सरकारें जो निर्णय ले रही हैं और जो अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्या उसमें बच्चों की राय और अभिभावकों की भी राय ली जा रही है क्या? निश्चित रूप में केंद्र सरकार ने भी एसोसिएशन से बात की, और हमारे तो लगभग रोज ही कोई ना कोई संगठन से, कल भी मेरे संगठन से बात हुई थी, आज भी संगठन से बात हुई, कभी मैं बच्चों के उनसे बात करता हूँ, अभिभावकों के संग से भी मेरा बात हुआ है, प्रबंधक एसोसिएशन से भी बात हुआ है, हमारा जो अभिभावक संघ है उसके साथ में भी, टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ में भी बैठक कर चुका हूँ। सबसे राय लेके हम लोग जो कुछ बोलते हैं तो अभी जो फीडबैक होते हैं और जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अभी हमने एक निर्णय निकाला, सबके बात हुई, और मुझे पहला उत्तर प्रदेश है जिसने निकाला कि 2019 और 20 के आधार पर जो फी स्ट्रक्चर था उसी के आधार पर 2020 में लिया गया, अब 2021 और 22 में भी उसी आधार पर फी हमारी उत्तर प्रदेश में ली जाएगी। किसी का एक विरोध नहीं आया पूरे प्रदेश से। हमने ये भी ऑर्डर किया जो 3 महीना 6 महीना में फीस लेते हैं उनको मासिक आधार पर ही लिया जाए, जो कोरोना संक्रमित परिवार है अगर वो फीस नहीं दे रहा है तो उसको भविष्य में उसका फीस का एडजस्टमेंट किया जाए, जो परिवहन शुल्क है या विज्ञान प्रयोगशाला का शुल्क है या क्रीड़ा शुल्क है या एनुअल फंक्शन शुल्क है, इनको ना लिया जाए जब तक कोरोना का प्रभाव है, परीक्षा अगर नहीं हो रही तो परीक्षा शुल्क ना लिया जाए। ये सारे आदेश हम पहले से निकाल चुके हैं, जो अब सोच रहे लोग उनके बारे में हम काम पहले ही कर चुके हैं, पहले से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए जो कोरोना वैक्सीनेशन की बात है वो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से। एक अंतिम सवाल आपसे सर लेना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हैशटैग कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021 ट्रेंड कर रहा था, और इसमें लोग ये चिंता जता रहे हैं कि देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, और आशंका ये जताई जा रही है कि ये लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में बच्चों के मन में ये भी डर है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्हें जाना पड़ेगा तो कहीं वो संक्रमित ना हो जाएं। इसको लेकर क्या तैयारियां, चुनौती कितनी बड़ी? नहीं देखिए, बच्चों की और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसको संज्ञान लेके पूरी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को कराने के बाद ही परीक्षाओं को संपादित कराने पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा अभी तक हुआ भी है, आप देखो पहले हम लोगों ने मार्च में परीक्षा कराने का सोचा था, उसको फिर बढ़ाया, फिर हमारा 24 अप्रैल से परीक्षा हुआ उसको बढ़ाया, फिर 8 मई से परीक्षा हमने तय कर दी थी उसको भी हमने बढ़ाया है, और निश्चित रूप में जो हमें संकेत कोरोना संक्रमण के कम होने के मिल रहे हैं वे एक सकारात्मक पहल है। हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में चूंकि तैयारियां पहले से कर दी थी, हमारे जो 56 लाख बच्चों का हमको परीक्षा कराना होता है उन सबके पेपर्स हम लोगों ने बना रखे हैं पहले से, उनके बॉक्सेस एक नहीं 7-7 पेपर के सेट हम लोग बनाते हैं, और उन पेपर को हम लोग बॉक्स में कॉपियों को करके अलग अलग जो हमारे सेंटर्स से उनके अब से पैक करके पहले से रख रखा है, और उसके साथ में ये भी किया है कि जो सेंटर्स हैं उनको हमने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया है, और जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनका पालन कर सके, और साथ में हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वैक्सीनेशन की, सैनिटाइजेशन की, ये सारी व्यवस्थाओं को पिछले बार जैसे किया था एक भी केस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आया था। जी सर, परीक्षाओं को यही उम्मीद लगाई जा रही है कि तमाम सावधानियां बरती जाएं और इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी बातें एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्र क्या कहते हैं, उनकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। इस पर हमारे साथ मुंबई से सूरज ओझा हैं और लखनऊ से संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सीधे लखनऊ चलते हैं, आपके साथ जो स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की चिंता उनके मन में है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा ऐसी होती है जिसका एक डर भी बना होता है। लोग कड़ी मेहनत करते हैं सालों साल अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो ऐसे में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है किस तरह के उनके मन में है।
देखिए मल्लिका, इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है वो स्टेन टू की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जैसे कि दावा किया जा रहा है कि स्टेन थ्री भी आएगा जो बच्चों पर हावी होगा, तो ऐसे में न केवल बच्चों बल्कि उनके पेरेंट्स के मन में भी खौफ है। बच्चों की बात क्या है, बच्चों से ही जानते हैं। बेटा क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एक पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, अब वो मौका आ रहा है जब आप अपने जो पढ़ाई है उसका नतीजा देंगे, क्या सोचती हैं? पढ़ाई तो करी हम लोगों ने ऑफकोर्स, लेकिन बहुत सारी जगह पे अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई हैं, नेटवर्क इश्यूज ही बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उन बच्चों का भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा, प्लस हमारा भी होगा, क्योंकि हम लोग ने जो उन्होंने पढ़ा है वो भी अच्छे से मतलब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि ऐसा भी ना हो कि हमारी मेहनत भी वेस्ट हो जाए, बाकी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा भी ना हो तो उनके लिए भी एकदम बराबरी रहे। क्या लगता है बेटा, आपका नाम बता दें? जी, मानिया टंडन। क्या लगता है आपको, एग्ज़ाम्स होने चाहिए? जिस तरह की आज बात कही गई रिटर्न में देना है, क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है एग्ज़ाम्स होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये हमारे लिए दिक्कत करेगा अगर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे हमारे, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो आगे आसान हो जाएगा हमारे लिए, पर आगे जाकर जब हमें कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा, बच्चों की राय है जो जो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से, देखिए ये मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि एग्ज़ाम होने बहुत ज़रूरी है और अगर नहीं हुए तो इससे हमें आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।